उत्खनन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण हेतु लगाए गए लाखों हरे भरे वृक्षों की बीसीसीएल के पुटकी बलिहारी क्षेत्रीय प्रबंधन द्वारा कटाई किए जाने के खिलाफ ग्रामीण एकता मंच द्वारा आयोजित पदयात्रा व पुटकी 13-17 नंबर 1 प्रक्षेत्र स्थित धरना स्थल पर उपस्थित पूर्व बियाड़ा अध्यक्ष प्रखर समाज सेवी विजय झा ने अपने संबोधन में उक्त बातें कही। उन्होंने मानवता की रक्षा के लिए ग्रामीण एकता मंच के अध्यक्ष रंजीत सिंह उर्फ बबलू सिंह द्वारा पर्यावरण की रक्षा के लिए सर पर कफन बांधकर आंदोलन का बिगुल फूंकने का समर्थन करते हुए कहा कि मानवता को बचाने के लिए उनका यह प्रयास न सिर्फ सराहनीय है अपितु इसे और धारदार बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हम अब भी अगर नहीं चेते और आउटसोर्सिंग की आड़ में इसी प्रकार वृक्षों की कटाई जारी रखा तो आने वाले समय कोरोना जैसे अन्य कई महामारियों का कारण बनेगा। जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राज आनंद ने कहा कि हमारा संगठन ग्रामीण एकता मंच के पर्यावरण की रक्षा के इस लड़ाई में पूरी तरह से साथ है। ग्रामीण एकता मंच के केंद्रीय अध्यक्ष रंजीत सिंह और बबलू सिंह ने कहा देश के सबसे प्रदूषित शहर धनबाद में बीसीसीएल द्वारा पर्यावरण के साथ किए जा रहे खिलवाड़ के विरुद्ध एक लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय रांची में PIL भी दायर है परंतु न्यायालय में बीसीसीएल द्वारा वृक्षों की कटाई नहीं करने के वादों के बावजूद वृक्षों की कटाई जारी है। इसके पूर्व केंद्रा चिल्ड्रन पार्क में भारी संख्या में समर्थकों के साथ पर्यावरण के समर्थन में नारेबाजी के साथ पदयात्रा करते करकेन पुटकी बाजार होते पुटकी प्रभु चौक से वापस पुटकी 13-17 नंबर स्थित धरना स्थल पहुंचकर धरने पर बैठ गए। हम लोग मारवाड़ी महिला समिति भी इस आंदोलन को पूरा समर्थन करते हैं और हम अपने जीते जी एक भी पेड़ नहीं कटने देंगे क्योंकि पेड़ लगाना हमारा उद्देश्य है, पेड़ काटना नहीं। जो भी पेड़ काटेगा उसका हम लोग भरसक विरोध करेंगे और कानून को मीडिया को सबसे अनुरोध करते हैं कि हमारा साथ दे इस लड़ाई में। मेरा नाम मंजू पगड़िया झारखंड की निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष ये सुनीता बंसल करकेल की शाखा अध्यक्ष बाकी सब बहने हमारी मेंबर है कि 1,00,000। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे ग्रामीण एकता मंच के अध्यक्ष बबलू सिंह जी का और सारे ग्रामीण जनता का जिन्होंने आज एक सामाजिक लड़ाई लड़ने के लिए एक जन आंदोलन को तैयार किया। आज पर्यावरण की स्थिति देख लीजिए, अभी पिछले वर्ष की स्थिति देखिए, कोरोना जैसी महामारी आई, लोग ऑक्सीजन लेकर के दौड़ रहे थे, आज यही पीपल का वृक्ष यही पेड़ों की छाव से लोगों को ऑक्सीजन मिलता है, फिर भी बीसीसीएल प्रबंधन चेत नहीं रहा है, लोगों के जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। इसको लेकर के आज बबलू सिंह जी ने जो जन आंदोलन को तैयार किया उसको हमारा संगठन जनशक्ति परिषद जिसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, हम लोगों ने तय किया कि नहीं हम लोग इनको खुला समर्थन देंगे और जहाँ भी जरूरत पड़ेगी ये पर्यावरण की लड़ाई के लिए, क्योंकि ये लड़ाई किसी एक बबलू सिंह का नहीं, ये पूरे धनबाद झारखंड और पूरे देश के सभी लोगों का है जो पर्यावरण प्रेमी है, जिन्हें आज पर्यावरण देख लीजिए स्थिति ऐसे ही धनबाद में इतने चारों तरफ कोयला के धूल उड़ रहे हैं, प्रदूषण चारों तरफ फैल रहा है, ऐसी स्थिति में पेड़ काटना उचित नहीं है। इसलिए हम लोग, मेरा पूरा संगठन बबलू सिंह जी के साथ है, ग्रामीण एकता मंच के साथ है और हम लोग पर्यावरण का कटाई का पुरजोर विरोध करते हैं और बीसीसीएल के इस मुद्दे का पुरजोर विरोध करते हैं जो पर्यावरण कटाई के लिए बीसीसीएल ने जो कदम उठाना चाहती है उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। आज ग्रामीण एकता मंच के द्वारा पर्यावरण बचाने का मुहिम चला रहा है और इससे सभी लोगों को मुहिम से जोड़ रहा है। आपने कोरोना काल में देखा होगा कि एक एक सिलेंडर 2,00,000 में नहीं मिल रहे थे और बीसीसीएल निरंतर करके नेहरू पार्क के पास 62,500 वृक्षों को काटा और उसके बाद अभी DAV स्कूल 17 नंबर और 13 नंबर के बीच में लाखों वृक्ष काटने की तैयारी है। एक साल पहले भी उक्त स्थल पे इनके द्वारा वृक्ष काटे गए थे, मैंने DFO से मिलकर इसकी लिखित शिकायत की थी,
पर DFO के द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने के चलते इनका BCCL का मनोबल बढ़ते जा रहा। मैं सभी जनता से निवेदन करता हूं, यह लड़ाई ग्रामीण एकता मंच की नहीं है। अगर यहां से ऑक्सीजन अगर प्राप्त होंगे तो उसको सिर्फ ग्रामीण एकता मंच के सदस्य नहीं लेंगे, पूरे भारत के लोग लेंगे। इसीलिए मैं सभी से निवेदन करता हूं कि इस वृक्ष को बचाने का काम करें। यदि आपकी मांगों को पूरी नहीं की जाती तो अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम तो एक छोटी संस्था है और लड़ाई हम न्यायालय में भी लड़ रहे हैं। 2008 में भी वृक्ष कटाई को लेकर PIL दर्ज कराया था। अभी पूरे धनबाद में वायु प्रदूषण का लेकर माननीय उच्च न्यायालय में PIL चल रहा। अगर यह नहीं बंद किए तो अभी देख रहे हैं कि हम पीताम्बरी और कफन मरने के बाद कोई ओढ़ता होगा। मैं इसको ओढ़ के चल रहा हूँ और इसके बाद मैं जो है कि अपना स्वयं का पुतला अपने हाथे से बैंक मोड़ में जलाऊंगा, रणधीर वर्मा चौक पर। पद यात्रा केंदुआ चिल्ड्रन पार्क से निकली है और यह पद यात्रा जो है कि पुटकी मोड़ होते हुए 24 घंटे मैं लोगों को दिखाना चाह रहा। मैं यह धरना बैंक मोड़ में कर सकता था अगर मुझे अखबार में फोटो छपाने दे तो। मैं कहूँ भी रोड पे बैठ सकता था। आप भी सभी मीडिया बंधु से निवेदन करते हैं वह जंगल में जाए, 100 मीटर अंदर जंगल में हमारे टेंट बने हुए हैं। मैं उसी टेंट में 24 घंटा उस रात में भी उस जंगल में बिताऊंगा। मेरा रंजीत सिंह और बबलू सिंह, ग्रामीण एकता मंच के केंद्रीय अध्यक्ष। पर्यावरण जिंदगी का दूसरा नाम है। यदि पर्यावरण सुरक्षित है तभी हम सब सुरक्षित हैं। यदि पर्यावरण असुरक्षित है तो सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को और बुजुर्गों को है, क्योंकि सबसे ज्यादा ये प्रभावित होते हैं प्रदूषण से। और हम लोगों ने तो कोरोना को झेला है। कोरोना क्या था? प्रकृति का प्रकोप था। प्रकृति में हस्तक्षेप किया हम लोगों ने, प्रकृति के कामों में हस्तक्षेप का परिणाम था कोरोना। और यदि हम नहीं चेते तब इससे बड़ी और भयावह और भी प्रकोप झेलने के लिए समाज को तैयार रहना पड़ेगा, मानव जाति को तैयार रहना पड़ेगा। और प्रदूषण किसी जाति, धर्म, मजहब के आधार पर किसी को प्रभावित नहीं करेगी। वह कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब, कोई पंथ, कोई संप्रदाय को मानने वाले लोग हों, प्रदूषण से नुकसान होगा तो सभी का नुकसान होगा। इसलिए ग्रामीण एकता मंच ने जो यह पहल किया है, मैं साधुवाद देता हूँ, उन्हें आशीर्वाद देता हूँ, उन्हें शुभकामना देता हूँ कि आज इस आंदोलन को और तेज करने की ज़रूरत है। और इसीलिए मैं अपनी शक्ति आपको देने के लिए आया हूँ कि मैं आपके इस मुहिम में साथ हूँ। और मुझे याद है सुंदरलाल बहुगुणा जिस प्रकार उन्होंने बचाया था वहाँ, पूरे उस 60-70 के दशक में जब पेड़ों की संख्या अधिक थी तब पेड़ कटते थे, तब उनको लगता था कि 50 वर्ष के बाद क्या होने वाला है। और आज से 50 वर्ष पहले उन्होंने चिपको आंदोलन चलाया और एक एक व्यक्ति ने एक एक पेड़ को गोद ले लिया। और उस पेड़ की रक्षा के लिए जब जंगल काटने के लिए लोग आते थे रात के अंधेरे में, तो लोग दौड़ पड़ते थे, अपने अपने पेड़ों को पकड़ कर खड़े हो जाते थे, चिपक कर खड़े हो जाते थे कि आरा चलेगा तो मेरे शरीर पर चलेगा। और इस प्रकार सुंदरलाल बहुना ने पेड़ों की रक्षा की, जो चिपको आंदोलन पूरे देश में बाद में चला। आज उसी तरीके से आज यहाँ आंदोलन चलाने की ज़रूरत है। और मैं अपील करता हूँ यहाँ के लोगों से, जितने पेड़ हैं उस पेड़ों को ये लोग विभाजित करके गोद ले लें, यह पेड़ मेरा है और जब तक यह पेड़ मैं हूँ तब तक यह पेड़ रहेगा, यह संकल्प लेना होगा। और मैं समझता हूँ यह संकल्प जब जनता के बीच जाएगा, प्रशासन के बीच जाएगा, उन पर भी मनोवैज्ञानिक असर पड़ेगा कि एक पेड़ यदि हम काटेंगे तो वहाँ की जनता उग्र हो जाएगी और इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा।